अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है ब्रेड क्रम्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आपको ब्रेड नज़र आ रही है। ये जो है, ये मैंने ब्रेड के जो सबसे नीचे और ऊपर स्लाइस होते हैं वो लिए हैं, और कुछ ब्रेड के किनारे हैं, और ये जो हैं ये स्लाइस थे दो मेरे पास, तो मैंने उनके क्यूब्स बना लिए हैं। और अब आपको मैं तीन तरह के ब्रेड क्रम बनाना सिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। चलाते रहेंगे, फ्राई करना है इसको। स्लाइस के हमने पीसेस किए थे, अब हम वो फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये, और बस अब हम इसको निकाल लेंगे ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो। तो चलें फिर। आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो चुके हैं। फ्राई हमने इसलिए किए हैं कि अगर आप बग़ैर फ्राई किए ब्रेड क्रम्स बनाएंगे तो वो कुछ देर तक आपके चलते हैं, और फ्राई करने से ये होता है कि आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं और फ्राई हुए हुए ना ख़राब भी नहीं होते, काफ़ी टाइम तक ये चलते हैं। तो इसलिए फ्राई करना ज़रूरी है। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो वो थोड़ी सी ही टाइम के लिए आपके लिए काफ़ी होंगे, एक से दो टाइम के लिए। लेकिन जब हम फ्राई कर लेते हैं तो इसको हम काफ़ी टाइम के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे इसको निकालें और काम में ले आएँ। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है इसलिए कि थोड़े ये अभी गर्म है, और ये थोड़ा ठंडे होंगे तो फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे, और फिर मैं आपको बना के बताऊंगी कि ब्रेड क्रम तीन तरह के कैसे बनाते हैं। तो चलें आएँ, ब्रेड क्रम तैयार करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, हम सिंपल ब्रेड क्रम तैयार करेंगे, क्योंकि सिंपल ये है कि आप हर चीज़ में सिंपल डाल सकते हैं। और जो मैं दूसरा बताऊंगी उसका ये है कि आपके ऊपर के आपने किस तरह का क्रम यूज़ करना है, स्पाइसी करना है, सिंपल करना है, या कलर्स यूज़ करना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल ब्रेड क्रम। आप देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन कलर मैंने किया है, और फ्राई एक दफ़ा और बता दूं आपको कि फ्राई मैंने इसीलिए किए हैं कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं। अगर फ्राई किए बग़ैर हम ब्रेड क्रम बनाएंगे तो वो हम ज़्यादा देर नहीं यूज़ कर सकते, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको यही बात बताई है कि आप जब भी ब्रेड क्रम बनाएं तो आप पहले फ्राई कर लें।
कलर्ड क्रम्स बनाएंगे। आपको मैं ये बता दूं कि कलर्ड किस तरह बनता है। कलर्ड कोई मुश्किल नहीं है क्रम्स का, इसमें हमने फूड कलर डालना है। फूड कलर जो है वो कोई नुकसान नहीं देता है, सिर्फ कलर के लिए हमने डालना है, वो अच्छा लगता है। जब आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं और उसमें आप जब ब्रेड क्रम में लगाते हैं आप उसको, तो उसमें आपको कलर जब फ्राई करते हैं तो वो कलर बहुत अच्छा देता है, गोल्डन कलर देता है। इसलिए आपको तीन तरह के हमने ब्रेड क्रम बनाना सिखाए हैं। अभी हम दूसरा बना रहे हैं, अभी तीसरा एक और बनाएंगे हम, और आप देखेंगे कि वो कितना अच्छा लगता है कलरफुल। जब हम कोई चीज़ उस पर डिप करके और फ्राई करते हैं तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। आप बना के देखेंगे तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये किस तरह का, आपको कैसे लगे ये ब्रेड क्रम जो मैंने आपको बना के दिखाए हैं, सिंपल कलर्ड और चटपटे। कलरफुल ज़्यादा अच्छा लगता है, जिन्हें कलरफुल नहीं अच्छा लगता वो थोड़ा सा डालें, और जिन्हें बहुत अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बारी आई है चटपटे स्पाइसी क्रम्स, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको तीन तरह के क्रम्स बनाने सिखाए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं एक प्लेन है, एक कलर्ड है, एक स्पाइसी है। तो बच्चे अगर सिंपल खाते हैं तो आप उन्हें सिंपल बना के दें, और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप किसी चीज़ में आपने स्पाइसी करना है तो आप ये इसको स्पाइसी ले सकते हैं, और अगर आपको कलर चाहिए है तो आप फिर कलर वाला ले सकते हैं क्रम, ताकि आपको फ्राई की हुई चीज़ बहुत खूबसूरत लगे, अच्छी भी लगती है और कलर भी अच्छा आता है। चाट मसाला डालेंगे और हाफ टी स्पून पिसी हुई मिर्च डालेंगे, और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं, और वो तीन तरह के ब्रेड क्रम्स हैं, आप देख लें। और मैं तो हमेशा अपने घर में ये बना के रखती हूँ, आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये ब्रेड क्रम का तरीका कैसा लगा, और आपने ब्रेड क्रम बनाए तो आपको कैसे लगे ये बनाना, और आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।